धनतेरस पर न सिर्फ सोने चांदी के बर्तनों के खरीदने का महत्व होता है, बल्कि गाड़ियों को भी अपने घर में स्थान दिया जाता है। और जब एक बेटा अपने पिता माता पिता के लिए गाड़ी खरीदता है, तो उस वक्त माता पिता के लिए बहुत ही गौरव का क्षण होता है। हम इस वक्त आप पहुंचे हैं भेल के दशहरा ग्राउंड में, जहां पर अलग अलग गाड़ियों की वैराइटीज़ जो है वो उपलब्ध है। यहाँ पर टाटा मोटर्स के तमाम डिफरेंट अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। गाड़ियों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, और कस्टमर्स भी यानी ग्राहक भी आज धनतेरस के दिन बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं और अलग अलग गाड़ियों की वैराइटीज़ को पसंद कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और अपने घर ला रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या कुछ खास है। हम इस वक्त आ गए हैं भेल दशहरा ग्राउंड पर, जहाँ पर यहाँ अलग अलग गाड़ियाँ जो है वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो लगी हुई है। तो वैरेन्यम फैमिली के द्वारा ये पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर संजय झारिया सर मौजूद हैं, जो जनरल मैनेजर हैं सेल्स के, तो वो हमें बताएंगे कि ये पूरा आयोजन क्या है। सर आपका बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगी कि ये जो इतने हम पीछे गाड़ियाँ देख रहे हैं, क्या क्या इसमें न्यू वेराइटीज़ है आप थोड़ा? धन्यवाद। मेरा नाम संजय झारिया है, मैं यहाँ वैरेन्यम मोटर कार में हूँ। और जैसा कि आपको बताया गया है कि ये पहला पूरे इंडिया का प्रोग्राम होता है, जो डीलर अपने डीलरशिप से नहा करके कस्टमर की सुविधा को देखते हुए भेल दशहरा मैदान पर ये हमारे पूरे चारों शोरूम जो हैं हमारे, जिसमें जेके रोड, होशंगाबाद रोड, जिंसी और चूना भट्टी, ये चारों एरिया हमारे भोपाल के हैं। सारे कस्टमर्स यहीं पे आकर डिलीवरी लेते हैं और उनके लिए हम लोग रंगारंग प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें उनके साथ यहाँ पर हम लोग डांस प्रोग्राम्स रखते हैं, ढोल का प्रोग्राम रहता है, मेहंदी भी हम लोग कस्टमर्स के साथ प्रोग्राम करते हैं मेहंदी का। साथ में सबके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि दिन भर थोड़ा टाइम लग जाता है कस्टमर्स के साथ, तो एक यूनिक प्रोग्राम होता है। और ये काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है कंपनी की तरफ से, हमारी टाटा मोटर्स की तरफ से, कि डीलर अपने कस्टमर्स के लिए कितना ख्याल रखते हैं। तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं हमारे पीछे यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ, अब थोड़ा हमें एक एक जो वेराइटीज़ है या जो भी इसमें कैटेगरीज है वो थोड़ा मैं चाहूँगी शॉर्ट में आप बताएँ, और लोग क्या पसंद कर रहे हैं इस बार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये टाटा की गाड़ियां हैं। टाटा की गाड़ियों में आप देखेंगे कि हमारी टियागो, टिगोर, नेक्सॉन, पंच, हैरियर, सफारी, टिगोर, ये सारी गाड़ियां हमारी टाटा मोटर्स बनाती है, और हम सारी गाड़ियों की आज यहां से डिलीवरी दे रहे हैं। और लेटेस्ट में जो अभी लॉन्च हुआ है वो हमारा न्यू सफारी और हैरियर लॉन्च हुआ है, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और जो हाइएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हुआ है इस पूरे धनतेरस में, वो पंच और नेक्सॉन ने सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची। तो सर ने हमें बताया गाड़ियों के बारे में, तो बताया साथ ही हम भी यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग आउटफिट्स में ड्रेसअप भी है, तो यहाँ पर डांस का प्रोग्राम और ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं और लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया, सर से बातचीत की और जाना कि गाड़ियों में क्या क्या वैराइटीज़ है, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर कुछ कस्टमर्स हैं और जिन्होंने गाड़ी जो है वो खरीदी है, तो उनसे हम जानेंगे कि उनके लिए धनतेरस क्या मायने रखता है। सर पहले बहुत स्वागत है आपका चैनल पे, धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। और आपने ये आज ये गाड़ी ली है, तो धनतेरस पे जैसे सोने चांदी की बर्तन की तो वैल्यू बहुत होती है, लेकिन गाड़ी जब आप अपने घर लेकर आएँ तो मन में क्या भाव है आपका? आज जैसा कि धनतेरस है, सबसे पहले तो मैं सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि जो मेरे भाग्य में आया है ये सबके भाग्य में आए, और ये बहुत मायने रखता है हमारे लिए, क्योंकि एक गाड़ी घर में होना और उसके उसकी वजह से हम देखते हैं कि बरकत होना, कई सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और तो मैं यही चाहूँगा कि सबके भाग्य में ऐसा मौका मिले, सिर्फ मेरे भाग्य में नहीं। और टाटा की गाड़ी है, टाटा नेक्सॉन, तो टाटा की तो फिर बात ही अलग है, मैं यही कहना चाहूँगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि गाड़ी जब घर में आती है तो उससे क्या होती है, बरकत होती है, और धनतेरस पर यही उनका संदेश है। तो कुछ धनतेरस पे आप स्पेशल कुछ मैसेज देना चाहें दर्शकों को, या जैसे आपके घर गाड़ी आई तो और क्या धनतेरस का महत्व, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवम जैन है। जैसे कि धनतेरस के बारे में देखा कि सभी लोग नई नई चीज़ें लेते हैं, तो हमने इस बार प्लान बनाया कि हम गाड़ी लेते हैं, लोग सोने चांदी में लेते हैं, ये भी शोभ होता है, लेकिन हमने बहुत सालों से गाड़ी नहीं ली थी,
और पहले भी हमारे पास टाटा की गाड़ी थी और अभी हमने टाटा पे विश्वास किया तो हमने धनतेरस पे ये लेने का सोचा। तो धनतेरस पे गाड़ी लेना भी धन और समृद्धि यश की बढ़ोतरी का प्रतीक है। तो हमने यहाँ कुछ लोगों से भी बात की और आपको दिखाया कि भेल दशहरा ग्राउंड में धनतेरस पर क्या कुछ खास है। इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।